मुझे परे हट लव की टीम के साथ भी बहुत बहुत मजा है। मजा उनके साथ है। एक बहुत ग्रेट मेरा हाँ रिलेशनशिप बिल्ड हो गया है, जो मुझे नहीं लगता कि अब कहीं किसी और टीम के साथ मैं कर पाऊंगी। इसमें हु डू यू क्रेडिट मोस्ट टू इट? आसिम, आसिम वो तो बैठ के खाना साथ खिलाते हैं कि बस उठो बैठो खाओ पियो सो, बस सोने के लिए सब अपने अपने कमरे में जाएं और हाँ नहाने के लिए बाकी सब हम साथ करेंगे। साथ करेंगे लाइक अ हाँ, फैमिली। लाइक अ फैमिली। और दैट वाज द फर्स्ट थिंग ही सेड कि मेरा बच्चा यू आर कमिंग विद अस, हमसे तंग ना आ जाना। क्योंकि मैंने उन्हें कहा था ना आप मुझे प्रमोशंस पे लेके जाएंगे, हाँ आसिम आप फिर मुझे हर जगह लेके जाएंगे अपने साथ, प्रॉमिस करें। क्योंकि हाँ इट वाज अ सपोर्ट रोल एंड ऑफ राइट कोर्स यू गेट दैट काइंड ऑफ थिंग कि यू नो सपोर्ट रोल है, पता नहीं कितना मिले कि इंपॉर्टेंस ना मिले। देंगे। हाँ आसिम ने कहा तुम तंग ना हो जाना, हाँ मैं तो तुम्हें कहीं नहीं छोड़ूंगा, तुम हाँ ना तंग। मैंने कहा नहीं। सो वही हुआ, कहीं भी कुछ होता है एंड इवन आफ्टर दैट उसके अलावा भी कोई घर का गैदरिंग होती है तो आसिम वहाँ बुलाते हैं, प्यार करते हैं। एक हमारा एक मैंने कुछ करना होता है, आसिम आप आए, एक अजीब सी बॉन्डिंग हो गई है जो इतनी डीप है, इतनी प्यार वाली है। वो मैं कहती हूँ कि देखिए आप इस उम्र में भी मैं आके दोस्त बना सकती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि दोस्ती बट बचपन की सुना ही होती सुनते है। ही हैं हम एंड टीवी पे भी देखते हैं एंड वी रीड अबाउट इट एज वेल कि को एक्टर्स के बीच में बहुत राइवलरीज होती हैं। सो यू नो छलावा विद महविश अयाज, शी इज अ सीनियर एक्टर, शी इज अ क्लेम, शी इज गॉट सुपर हिट्स बिहाइंड हर। एंड देन परे हट लव में माया हु इज ऑल्सो गॉट अ हिट फिल्म, एंड देन देयर इज मायरा हु इज ऑल्सो मायरा खान, राइट? माहिरा तो So, how was the equation with the girls? I mean, did you feel any kind of professional rivalry or you know with the young? I mean, you're a young, beautiful, new face. So, कभी लगा ऐसा कि you know थोड़ी insecurities हैं या rivalries हैं या were they supportive and how were they individually all three of them to work with? सो विद माया आई नो हर 10 years से, ठीक जब है। अम्मा के साथ माया ने ड्रामा किया था। माया और सज्जल अम्मा की दोस्ती थी तो उनको मैंने हाईजैक कर लिया तो वो अब अम्मा जो उनको गाली निकालती है, खैर। बट माया के साथ तो जब मैं सेट पे गई तो माया तो इस तरह थी ना, हाँ पिक्कू और सुनाओ, मेरा निकनेम पिक्कू है एंड एवरीबडी इन द फैमिली कॉल्स मी पिक्कू, सो शी वाज लाइक और सुनाओ। तो मैं इस तरह थी कि ये मतलब अच्छा, शी इज कंफर्टेबल विद दैट इक्वेशन क्योंकि अब तुम एज एक्ट्रेस काम करें, एंड शी वॉज एंड देर वर सो मेनी प्लेसेज आमना जब मुझे माया ने कहा पिक्कू ऐसे नहीं दिलाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ ऐसे कर लो अपने आप को स्टाइल करने में, पिक्कू राइट ऐसे नहीं ऐसे, सुनो इसके साथ ये पेयर कर लो। वन डे वी वेंट टू द मॉल एंड शी लिटरली बॉट मी थिंग्स कि ये लो। आई एम लाइक माया तो मैं क्या, नो शी, एक तो उसको आदत है हर किसी के लिए कपड़े खरीदने की, हर किसी के लिए जूते, पूरा सेट जो था वो माया ने उनके लिए चीजें खरीदी, सब वापस आया तो सस्ता माया तो मैं क्या हो गया, ये तुम्हारा, जैसे वो माया नहीं जाती शॉपिंग करने, तो उसी तरह उसको था कि ये परफेक्ट लगे, ये अच्छी लगे। और उसने मेरे सेट पे आने से पहले आसिम को कहा था कि पिक्कू तो क्या डांस करती है, आसिम मैं तो नहीं कर पाऊंगी, वो तो क्या, इसने इतनी तारीफ कर दी That's थी, so amazing, yeah. कौन करता है। Yeah. मैं एक्चुअली शॉक थी कि जब मैं आई तो निगा जी ने कहा सुना है तू तो बड़ा अच्छा डांस करती है। मैंने कहा आपको किसने, उन्होंने कहा माया ने सब बता दिया हमें। एंड माया का इतना बड़ा दिल कि आप आके यू नो बाकियों के सामने अपनी को एक्ट्रेस की तारीफ कर रहे हो, ये आई थिंक बहुत कम होता है। फिर आती है माहिरा खान, माहिरा तो खैर माहिरा है, फिर वो शी कम्स इन फ्रंट ऑफ योर आईज एंड यू लाइक आप थोड़ी देर के लिए ऐसे हो जाते हैं, फिर वो आपको कहती है कि ठीक हो जाओ मैं इंसान हूँ। फिर वो भी मुझे शॉपिंग पे लेके गई, एक तो एवरीबॉडी ट्रीटेड मी लाइक अ बेबी, वो शॉपिंग पे लेके गई, शी इज लाइक आई एम गोना गेट यू स्टफ एंड देन आई विल गेट, नो नो यू सिट आई विल गेट यू कॉफी। तो वो तो माहिरा तो आप, एक तो आपको यकीन नहीं आता कि माहिरा इज गोइंग एंड गेटिंग यू कॉफी, फिर आप जब उस चीज में अपने आप को कर रहे हो तो इतनी देर में वो आके नॉर्मल जिंदगी की बात है। ऑफ कोर्स व्हाट आई लव अबाउट दीस गर्ल्स इज आमना दैट दे आर सो हम्बल, दे आर सो एम्पैथेटिक, दे आर सो ओरिजिनल, यू वांट टू कनेक्ट टू देम एट अ डिफरेंट लेवल। इवन इफ वो शायद, मैंने कहा माहिरा इसका मतलब ये जो भी हमारा आज शाम गुजरी है 4 घंटे की, जो हमारा एक लव अफेयर शुरू हुआ है, ये इसका क्लोजर मैं कहाँ ढूंढूंगी। उन्होंने कहा इसका क्लोजर नहीं मिलेगा क्योंकि कराची में हम नहीं मिल पाएंगे। हमने कहा, मैंने कहा ऑफ कोर्स, बट वो वक्त गुजारना आपके साथ और उस वक्त में वहां होना आपके लिए और कहना कि जस्ट बस जो बातें कर लो, जो And do you have a lot of scenes with Myra? I only have one scene with Myra, जिसमें Myra और मैं सेम फ्रेम में भी नहीं है। Okay. But it was a beautiful experience because she was there and I was around and we were together in Turkey. तो वो बहुत अच्छा वक्त था। And then comes Mehvish. Mehvish is a very strong individual herself. And she is somebody who's not an insecure woman at all. At all. उनका वो कोई नहीं है कि मुझे उसके कुछ से प्रॉब्लम है, नो।
And we're so proud of her for that, by the way. I really like the fact that she's very focused about herself. Mm. She wouldn't say कि ज़ारा से ये करवा ले, नहीं ज़ारा को ये कर दे या ज़ारा को ये नहीं कराएं. She would only focus on her work. Mm. That's a different kind of thing that I saw. क्योंकि Maya and Mahira was like ज़ारा हाय ज़ारा सब की ये वो वो तो बच्चे की तरह. But Mavish was very focused about herself, her work. She did not interfere in anybody's business, which is so professional of her. उन्होंने आके किसी को नहीं कहा, कोई बात हो रही थी वहाँ कान लगा के नहीं, अच्छा nothing. कोई एक्स्ट्रा बात जिससे किसी को, क्योंकि होता है ना बहुत सारी बातें आप करते हैं तो किसी को अच्छी लग जाती है किसी को बुरी, उन्होंने वो रूम ही नहीं दिया. तो थ्रू आउट मेरा महवेश के साथ एक रिलेशनशिप रहा जिसमें हम लोग की बहुत इज्जत और तमीज से हमारा पूरा स्पेल गुजरा. और दो तीन दफा ऐसे सीन में उन्होंने मुझे कहा नहीं नहीं ये तुम्हारा सीन है, तो उन्हें वजाहत भाई को बुलाने का, वजाहत नहीं यहाँ पे मेरा डायलॉग एंड में बन नहीं रहा, ये सीन ज़ारा का है. तो टू गिव दैट सीन यू नो अ फेस कि जहाँ पे वो कहें कि ये ज़ारा का सीन है, यू नो आई विल नॉट से द एंडिंग लाइन, वाज अ बिग थिंग. सो ऑल दीज एक्ट्रेसेस दैट आई गॉट टू वर्क विद, मैं कहती हूँ आई एम लकी कि कोई रोना धोना पिटना, क्योंकि मैंने तो बड़ी बातें सुनी है क्या क्या होता है, हमने भी सुनी है तो, और मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ तो मैं तो हैरान थी शदीद. और ज्यादा एक्सपेक्टेशंस इसलिए भी थी कि मुझे हर कोई प्यार करे क्योंकि ये आसिम वाले आपको ऐसा बिगाड़ देते हैं सारे कि फिर आप किसी के काबिल नहीं रहते, आप किसी के काबिल नहीं रहते. आगे क्या होगा? आगे मुझे नहीं पता, सोच रही थी अब मैंने कहा क्या करूँ अब, मतलब अच्छा ये हो गया अभी हो गया है. एक और चीज में मैंने अब आजकल पाँव डाला हुआ, अब देखो वो कहाँ जाता है. बट आई डोंट नो, I don't know what's so again, story. You're coming from a privileged background, और आपको पहले दोनों projects जो film के मिले, they're both very बड़े पढ़े लिखे माहौल, वजाहत का भी और आसिम का भी. It's not the typical Lollywood माहौल. No, 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 no. तो जो आजकल बहुत बात हो रही है harassment की, आपको लगता है कि television और film में इसको control करने की ज़रूरत है? People complain about it, and it does exist because there are a lot of girls who have shared their stories with me without wanting to be named. Yes. But do you feel that what kind of rules or implementation of principles do we need on the sets? कभी कुछ ऐसा हो तो कोई बंदा किसके पास जाए? I think आप किसी के पास जाने से बेहतर, मतलब आप किसके पास जाएंगे? अभी आप कुछ भी कर लें, eventually बात मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी हमारी सोसाइटी में औरत के ऊपर ज़्यादा उंगली उठाई जाती है. Whoever is the other person involved, the culprit, I feel like if the victim is a woman, she's being questioned too much. Yeah. मतलब एक हादसा अगर किसी के साथ हो गया है, सही गलत हमें नहीं पता, सॉरी सही गलत नहीं, सच या झूठ हमें नहीं पता, बट अगर किसी के साथ कोई हादसा हुआ तो आपको उस औरत को ये ड्यू रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि आप सुने समझे. उसके बाद बाकी क्या हुआ है वो आप इन्वेस्टिगेशंस में जाएं. बट हमारे लोग जो यहाँ पे बहुत सारी चीजें सुनते भी नहीं है कि नहीं नहीं इसकी क्या बात सुननी है, तो स्लीवलेस पहन दी. उसके स्लीवलेस पहनने से उसके हरास होने का ताल्लुक नहीं है. प्लीज आप लोग इस बात को अपने दिमाग में समझ लें. जैसे एक अबाया पहनने वाली का उसके कुरान पढ़ने से ताल्लुक नहीं है, ये एब्सोल्युटली दो अलग चीजें हैं. कुछ लड़कियां मैंने देखी हैं अबाया पहनती हैं लेकिन उनका रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं होता. और कुछ लड़कियां होती हैं जो नॉर्मल शलवार कमीज पहनती हैं और वो ऐसी ऐसी स्कॉलर्स हैं इस्लाम की. तो कपड़ों से किसी के साथ कोई हादसा हो या कोई वाकया हो ये ताल्लुक बिल्कुल नहीं है. तो प्लीज सब्जेक्टिफाई औरत को करना बंद करना पड़ेगा सबसे पहले. इज हरासमेंट अ डाइनिंग टेबल कन्वर्सेशन इन योर हाउस? जैसे आपने कहा कि बहुत सी चीजें डिस्कस होती हैं. हमारे घर में तो ये जब चारों ये बैठ जाती हैं बहनें तो हम तो मुझे तो इंडस्ट्री में आने से पहले सबके बारे में सब कुछ पता था. क्योंकि मुझे पता था कि ये औरतें बैठ के ज्यादा कौन डिस्कस होता सर खाने की मेज पे. अभी तो हमारी एक मीटिंग है, बुशरा खाला की बर्थडे होने वाली है, सो वी आर गोना गो एंड सिट. आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट सेटअप फॉर दैट डिनर पार्टी. तो वो तो होती है बातें बट सब डिस्कस होते हैं, सारे लोग डिस्कस होते हैं. तो हरासमेंट के बारे में उनका क्या ख्याल है? उनका हमेशा ये ख्याल है कि देखिए कोई अगर अल्लाह माफी दे, हरासमेंट एक बहुत बहुत ही हर्टफुल चीज़ है. किसी के साथ हो मर्द औरत इस बात को सुने समझें. और हमारे लॉज और हमारे मीडिया को बहुत रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा. जो लोग बैठ के टीवी पे हंस रहे हैं इन बातों पे, मजाक खिलियाँ उड़ा रहे हैं आजकल जो भी हो रहा है, आप ये सोचें कल को आपकी बेटी है, आप किसी की भी बेटी के साथ कुछ भी हो सकता है,
आपकी इज्जत, आपके मुल्क की इज्जत अगर आपकी औरत से आप बनाते हैं कि हमारी औरत हमारी इज्जत है, तो उस इज्जत को उछाले नहीं. हमारे मीडिया को बहुत रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा और हमारी जो अवाम है, जो सोशल मीडिया है, उसको बहुत रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि आप एक लड़की होकर किसी लड़की के बारे में चीजें नहीं कहें. अंटिल एंड अनलेस आपके पास प्रूफ्स हैं, बिल्कुल, सिर्फ देखी दिखाई बातों पे, सोची सोचाई चीजों पे, आप जजमेंटल बहुत है ना. जजमेंटल नहीं, और हरासमेंट इज अ बिग थिंग. किसी ने की है या किसी के साथ हुई है या किसी के साथ नहीं हुई है, वो आप दे देना अपने पाकिस्तानी कोर्ट को डिसाइड करने के लिए, लेकिन आप बैश तो नहीं करें. हाँ. औरत को सुन ले. हुँ. तो इस चीज को बहुत रिस्पॉन्सिबली देखें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को बहुत उल्टा समझते हैं. हुँ, हुँ. तो फिर अगर आपके पास ये पावर है, आपके पास वो फॉलोअर्स हैं, तो फिर आप अपनी जो भी बात बोलें बड़ा सोच समझ के बोलें, अपने लफ्जों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें. आई थिंक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की होनी चाहिए. ट्रू ट्रू ट्रू. यू स्टडीड फिल्म मेकिंग, डू यू थिंक अबाउट मेकिंग योर ओन फिल्म? Hi, not my film as of yet, but inshallah something very soon. I want to produce and direct something, and I'm in the process of it right now as well.